मुंबई, मलपुरा, आगरा, हम आपके साथ, सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। प्रयास संगठन द्वारा कराई गई दौड़ प्रतियोगिता। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना, ब्रजभूमि के ग्राम पिसावा, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश में दौड़ प्रतियोगिता आयोजन प्रयास संगठन के द्वारा कराया गया, जो दो स्तर में संपन्न हुआ। पहले स्तर में 2 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता हुई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रथम 5 में भगवान सिंह, मनमोहन सिंह, राधा सर्वेश्वर, छैल बिहारी और हरेंद्र ने बाजी मारी। इस प्रतियोगिता में मित्रों, प्रयास संगठन के द्वारा यहाँ युवाओं को एक मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास था, तो वहीं उनके पिताओं का सम्मान करके बच्चों को प्रोत्साहित करना था। दूसरे स्तर की दौड़ प्रतियोगिता में सतीश, मनमोहन, वासुदेव, वंशीदास और विक्की ने बाजी मारी। प्रयास टीम ने विजेताओं को श्री राधा कृष्ण का चित्रपट, मेडल, शील्ड, रेस किट इनाम में देकर युवाओं का हौसला बढ़ाया और दुपट्टा डालकर उनका स्वागत किया गया। प्रयास टीम ने दौड़ में जीतने वाले हर एक युवा के पिताजी का ग्राम के बुजुर्गों द्वारा साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के बुजुर्ग रघुवीर सिंह मास्टर जी, विजेंद्र प्रधान जी, रामचरण जी, सूरजपाल जी, सभी ने युवाओं की अच्छी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम गांव वालों के सहयोग और प्रयास टीम के कार्यकर्ता जगदीश जादौन, ध्रुवपाल सिंह जादौन, अजय सिंह, परशुराम जादौन, भगवान सिंह, तेजवीर सिंह बनवारी जादौन, योगेश जादौन और श्याम सुंदर सिंह, दानवीर सिंह, बाबूलाल जादौन, अनिल जादौन और बदन सिंह की मेहनत से संपन्न हुआ। प्रयास टीम का उद्देश्य ग्राम को स्वच्छ, शिक्षित, समृद्ध और सभ्य बनाना है। इसी क्रम में कार्यरत हैं। पिछले 2 महीने से इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। कार्यक्रम में बाबू सिंह जादौन, मीडिया प्रभारी आगरा मंडल भी उपस्थित रहे और प्रयास टीम उनका बहुत बहुत आभारी है कि यहाँ आके उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया और शोभा बढ़ाई। अब जो पहली रेस में फर्स्ट है भगवान सिंह लोधौली से, भगवान सिंह सन ऑफ लखमा, हमारे प्रधान जी विजेंद्र प्रधान जी आए और भगवान सिंह का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली, उन्होंने बहुत मेहनत की और ये मेडल पहनाएंगे प्रधान जी हमारे भगवान सिंह को। उनके जीत की बहुत बहुत बधाई और उनके भविष्य की बहुत अच्छी कामना करते हैं कि वो ईश्वर करे वो एक अच्छा मुकाम पाए और इंडियन आर्मी में अपनी जगह बनाए। ये शील्ड और फोटो खिंचवा लो, और ये मेडल पहना के स्वागत कर रहे हैं मनमोहन का और उनके भविष्य की अच्छी कामना करते हैं कि वो इंडियन आर्मी में अपनी जगह बनाए और देश सेवा करें। और उनको जो ये शील्ड और प्रयास टीम उनके भविष्य के उज्ज्वल कामना की स्वागत करती है। मास्टर उनके पिताजी के सौ भगवान के स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है हमारे राधा सर्वेश्वर, बहुत अच्छा बैलन राधेश्या, बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये हमारे युवा संगठन जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बालकन को तो भैया तो स्वागत हो रहे पर मैं तो कहूँगा स्वागत नहीं, इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। और उनके लिए मेडल राधा सर्वेश्वर ने तीसरी रैंक ली है। हाँ भाई, हाथ लगवा के ले लिए फोटो। भविष्य में भी अच्छी मेहनत करें और अपना मुकाम पाए। हमारे चाचा जी दादा जी का स्वागत कर रहे हैं, बिहारी के पिताजी का स्वागत कर रहे हमारे लखमा चाचा जी, दो भारत के लिए जोरदार ताली। और हमारे चाचा जी का स्वागत कर रहे हैं मेडल डाल के। और प्रयास टीम यही चाहती है कि आप जरूर इंडियन आर्मी के आगे बढ़ा ले थोड़ी सी।
प्रयास टीम सर आप कहाँ से हैं? मैं पेशावा से हूँ। आप किस संगठन से हो? मैं प्रयास संगठन दल पेशावा से हूँ। अच्छा, आपने ये प्रतियोगिता कराई, कौन सी प्रतियोगिता थी? इसमें हमने रेसिंग प्रतियोगिता कराई थी ताकि आने वाले फ्यूचर में अपने युवा साथियों के भविष्य उज्जवल हो सके। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कुमार है। अच्छा, आपने ये दौड़ प्रतियोगिता कराई थी, इसमें आपको जो बच्चों फर्स्ट में आए थे उनको किस चीज से सम्मानित किया गया था? देखो, सम्मान बहुत बड़ी पदवी होती है, सम्मान कैसा भी हो, हमसे जैसा बना वो सम्मान दिया, मेडल दिए, शील्ड दी, और बच्चों के लिए बनियान वगैरह टी शर्ट वगैरह दिया। और हम चाहते हैं कि अपने गांव से, अपने क्षेत्र से ज्यादा बच्चे अच्छी नौकरियों को निकले, इसलिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। दादा आपका क्या नाम है? रघुवीर सिंह। कहाँ से हैं आप? पेशावा। अच्छा, बच्चों ने यहाँ पे दौड़ प्रतियोगिता कराई थी, आप इससे कितने खुश हो? हमारे पूरा गांव की तरफ से पूरे बस्ती बहुत संतुष्ट है, जो हमारे ये बालक, जो प्रयास टीम के जो दल, जो ये बच्चे हैं जो प्रयास कर रहे हैं गांव की उन्नति को, गांव के विकास को, गांव के युवाओं को, तो इनके काजे हम बहुत ही आभार प्रकट कर रहे हैं हमारे गांव वाली।